शिट, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। और जंगल में हम फंस गए हैं, शदीद बारिश है और बादल गरज रहे हैं। कोई है तो नहीं। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अभी सुबह हो चुकी है भाई, जैसा कि आप देख सकते हैं, और अभी हम उठ भी चुके हैं। अभी नाश्ता करेंगे और हम जाएंगे गंडा सिंह बॉर्डर की तरफ। वहाँ पे आपको कौन दिखाएंगे, कलियर दिखाएंगे, हरियाली होगी काफ़ी ज़्यादा। तो मज़े की वीडियो है, पूरी देखिएगा। जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दीजिए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके जी, तो अब हम फाइनली तैयार हो चुके हैं जाने के लिए। एक चीज़ नज़र आई थी तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। आ जाओ रीम, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, कुछ नहीं होता, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। शाबाश, क्या ओए ओ शिट, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। शेयर नहीं हो तुम, शेयर नहीं दिखाओ इधर, रो तो नहीं रही। ओ यार क्या हो रहा है, रीम खड़ी हो जाओ, बस बस इधर इधर कैमरे की तरफ तो देखो। ओ सारा बेचारी का सारा नींद में थी शायद, है ना, इसलिए। चलो कुछ नहीं होता। पीछे देख सकते हैं आप, गोभी के पौधे हैं, ठीक है। तो अब इसके थोड़ा सा जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा मेरे पीछे देखें, ग्रीनरी कितनी ज़्यादा है, माशाल्लाह। यहाँ पे बहुत अच्छी फसलें होती हैं और ये बड़ा जरखेज इलाका है। ये देखें, ये वो दूर तक आप देख सकते हैं। अच्छा ये गोभी के हैं, और इस तरफ अगर जाएं वो पता नहीं किस चीज़ के हैं, लेकिन ये जो है ना, ये वाले, ये केले के पौधे हैं। ओह माय गॉड, क्या माशाल्लाह खूबसूरत यहाँ पे। ओके जी, तो ये एक हम बॉर्डर पे पहुँचे, वहाँ पे जाओ, वहाँ पे आ जाओ, आ जाओ, तुम भी आ जाओ। मसला एक हो गया, और ये मसला हुआ कि अभी बारिश आने वाली है और यहाँ पे भी 3 बजे रेड शुरू होगी। ओ माई गुडनेस यार, बहुत ज़्यादा आंधी और तूफान आ चुका है। हम लोग घर से 50 किलोमीटर दूर हैं, यहाँ हमें कोई जानने वाला नहीं है, गांव की तरफ जा रहे हैं। तो अभी सुबह सुबह का ही टाइम है, देखते हैं क्या बनता है। यहाँ पे अभी ना बहुत बुरी हालत है, जंगल ही जंगल है, और जंगल में हम फंस गए हैं। तो अब पता नहीं क्या बनेगा, देखें हर तरफ जंगल ही जंगल है, पता नहीं हम किस तरफ जा रहे हैं। ख़राब सिचुएशन में हम लगाएंगे इस तरफ का। तो अभी देखें ये कितनी ज़्यादा धूल और मिट्टी उड़ रही है, और पीछे देख सकते हैं मौसम कैसा ख़तरनाक है, और ये पता नहीं कौन सी। अब ये देख सकते हैं, ये किसी की मच्छरदानी उड़ती आ रही है, तो मतलब इतना प्रेशर है हवा का, इतनी तेज़ है,
ओ ये गई ये गई। ओ यार शदीद बारिश और बादल गरज रहे हैं और दिन के टाइम अंधेरा हो चुका है और हम लोगों ने ये सोचा है कि वो जो आपको नज़र आ रहा है मोर्चा, वहाँ पे जाना ज़रूरी है, कुछ भी हो जाए बस एक दफ़ा जाना है। तो अभी मैं और हरीम जाने की कोशिश करते हैं। मैं कह रहा हूँ कि क्योंकि हम बॉर्डर पे आए हैं तो यार अब वहाँ पे जाना बड़ा, ओ माय गॉड सीरियसली बड़ी बड़ी ख़तरनाक सी सिचुएशन है। बाइक पे हम लोग हैं, बच्चे भी साथ हैं और बहुत बुरा हुआ। अब मुझे वहाँ पे बड़ा अजीब सा लग रहा है कि हम बॉर्डर पे भी आए हैं और कोई फ़ायदा भी नहीं हुआ आने का, और ऐसी खाली हाथ ही चले जाएँ तो बड़ी टेंशन वाली बात है। बारिश भी शुरू हो चुकी है, ओ माय गॉड समझ नहीं आ रही क्या किया जाए। चलो अंदर चलते हैं, ये मोर्चा देखते हैं कि इस मोर्चे में क्या है और कहीं ख़तरनाक चीज़ तो नहीं। सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, छोटी छोटी सी स्टेप्स बने हुए हैं। अरीम आ जाओ, डर तो नहीं लग रहा है? अरीम इधर देखो, डर तो नहीं लग रहा? लग रहा है तो ना आओ। हीरोज़ क्या देर, ये देखें ये लिपा हीरोज़ लिखा हुआ है इस पर, और अभी अंदर चलते हैं यार। वो वॉशरूम भी है अंदर यार, मैं कहता तो अंदर नहीं जाना चाहिए हमें। लाइट, हाँ लाइट मैंने ऑन की, और यहाँ पे इमरजेंसी में वैसे आया जा सकता है। कोई है तो नहीं अंदर? कोई है तो नहीं? ओके जी, ये यहाँ पे कुछ ऐसा पड़ा है, और यहाँ पे अगर कोई सांप वगैरह ना हो, मुझे तो डर लग रहा है सीरियसली, इसलिए मैं ज़्यादा अंदर नहीं जाता। चलो हरी, अच्छा अब हम थोड़ा सा, मैं और भी ऊपर जा के आपको दिखा देता हूँ। ओके जी, तो ये इस तरफ बॉर्डर है, इस तरफ बॉर्डर है, और यहाँ पे लोगों की वैसे फसलें हैं अभी, तो इससे थोड़ा सा आगे जाएंगे तो बॉर्डर है। और मुझे घर से मैसेज आया कि शदीद बारिश हो रही है, मतलब लाहौर के एरिया में, तो अभी हमें फ़ौरन यहाँ से निकलना पड़ेगा। चलो हरी चलो, तो अल्लाह करे हम बारिश में भीगे ना, क्योंकि मैंने आते हुए रोड पे देखा था कि कोई ऐसा ठिकाना नहीं था कि जहाँ पे आप सर छुपा सकें अगर बारिश हो जाए, तो रोड पे नहीं था, यहाँ पे तो ये है। और लेट्स सी क्या होता है, इंशाल्लाह फिर देखते। बारिश काफ़ी तेज़ हो चुकी है और हम लोग एक कमरे से में रुके हुए हैं। बारिश भी बहुत तेज़ है तो हमारा सफ़र काफ़ी लंबा था, इसलिए हम रुके।
अच्छा भाई ये देखिए जी, फाइनली घर पहुंच गए। जूतों की हालत चेक करें, ठीक है, और इधर हरीम की हालत चेक करें। हरीम इधर देखो, बुरी हालत हो गई ना हाँ, और बाइक की हालत तो आप देख ही सकते हैं, ठीक है। और मैं आपको बाहर दिखाता हूँ, अभी अभी शुक्र अल्लाह का हम थोड़ा टाइम से पहुँच गए, और बाहर अभी भी शदीद बारिश हो रही है। तो क्या दैट हमारे गेट के बाहर पानी कितना ज़्यादा खड़ा हो गया। अल्लाह अकबर। आ जाओ 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 जाओ, हरीम इधर आ जाओ।